नीट पेपर मामले को लेकर विवाद रोज गहराता जा रहा है। पूरे मामले में तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस ओर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर कोई आरोपी है तो उसे गिरफ्तार कीजिए और सारे पेपर लीक का जो मुख्य सरगना संजीव मुखिया है वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और खुले में घूम रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उसके साथ कई नेताओं के फोटो हैं जिसे जारी किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में नहीं है। जब से सरकार गई है हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है और तब से लगातार हमने यात्राएँ की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियाँ 250 रैलियाँ हम लोगों ने की हैं, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग नम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण ख़त्म हो गया भाजपा ही तो, अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ